ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल तो पहुंच गया, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। मुख्तार के कई गुनाहों की कई कहानियां हैं और कई जिलों में से हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा खौफ उस शहर में रहा है जिसने अंसारी को मुख्तार बनाया। मुख्तार अंसारी, इस नाम को अगर आप इन तस्वीरों के साथ देखेंगे तो इसके असहाय होने पर आपको भी तरस आ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, इन तस्वीरों के साथ ही कुछ और तस्वीरों की सच्चाई ऐसी है जिसे देखकर आप जान जाएंगे कि लंबे वक्त तक कैसे अंसारी रहा खुद मुख्तार। और मुख्तार की इस कहानी में सबसे बड़ा किरदार है एक शहर जिसके सीने में छिपे हैं मुख्तार के खौफ के कई रंग। ये तस्वीरें अक्टूबर 2005 की हैं, जिसने अंसारी को मुख्तार बना दिया। मऊ की सड़कों पर खुलेआम घूमते मुख्तार की ये चुनौती आम शहरी को नहीं, सत्ता को थी, शासन को थी और उस प्रशासन को थी जिस पर हर आम शहरी को खुद के सुरक्षित रहने का भरोसा होता है। इन तस्वीरों के बाद मऊ अगले 7 दिनों तक हिंसा की आग में जलता रहा और मुख्तार के खौफ का दायरा बढ़ता रहा। मुख्तार अंसारी बोल रहे हैं, साहब से बात कराइए। और यही वजह है कि इसके बाद मऊ में सालों तक वही हुआ जो मुख्तार ने चाहा, और जिसने भी उसको चुनौती दी वो फिर उठ नहीं सका। ऐसी ही चुनौती का अंजाम 29 अगस्त 2009 को मऊ के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह और मुन्ना को भी भुगतना पड़ा, जब दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी उस समय यहाँ से विधायक थे और पीडब्ल्यूडी के जितने टेंडर शुरू हुए थे उन्होंने कहा था कि 10% हमको जो लोग कमीशन देंगे वही लोग काम करेंगे। मेरे भाई ने कहा कि भाई सरकारी काम है, पैसा लगाकर काम करते हैं, तो मैं किसी को गुंडा टैक्स नहीं दे सकता। उसके बाद उन्होंने अनुज कन्नौजिया को लगाकर अपनी टीम लगवाकर भाई की हत्या करवा दी। कत्ल की ये कहानी मुख्तार के निरंकुश हो जाने की दास्तां है। आरोप है कि मुख्तार ने हर ठेके पर कमीशन तय किया था और अजय सिंह ने उसे देने से इनकार कर दिया। नतीजा, अजय सिंह की हत्या कर दी गई। सरकार खामोश रही, पुलिस और प्रशासन तमाशबीन बना रहा। कातिल को सजा देना या पकड़ना तो दूर, गवाहों को भी नहीं बचाया जा सका। वारदात के करीब 1 साल बाद ही अजय की हत्या के 2 गवाहों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 19 मार्च 2010 को दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस के सामने वो जो सफारी जिस पे गोली चली थी भाई साहब के नाम थी, वो भाभी के नाम ट्रांसफर हो रही थी, वहीं पे उस दिन पेशी पे आया था अनुज कन्नौजिया। उन्होंने मुख्तार से संपर्क साधा और मुख्तार ने अपने लोगों को लगाया और वहाँ फिर गोली चल गई, जिसमें जो चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्या उनकी हत्या हो गई। सुरक्षा में जो शब्बीर के सिपाही लगाए गए थे पुलिस कांस्टेबल सतीश कुमार, उनको गोली लगी, 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये मुख्तार के खौफ की अनगिनत कहानियों में एक की दास्तां है। ऐसे न जाने कितने डरावने सच अब भी किसी गली में और किसी मोहल्ले में छिपे हुए हैं, और कई तो कोर्ट की फाइलों में भी कभी खत्म ना होने वाले इंतजार की पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन अब उम्मीदें फिर से जगी हैं कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। इसी जगह पर उसने पहले अजय प्रकाश की हत्या की फायरिंग कराई, उस वक्त 2 लोग को गोली लगी थी। इसके बाद जब इस पूरे मामले में गवाही के तौर पर तमाम जो लोग सामने आए उनकी भी फिर हत्या करवा दी, और ये कहा जा सकता है कि लगातार मुख्तार अंसारी अपने आतंक को बढ़ाने के लिए, चाहे वो मऊ हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, हर जगह पर हत्याओं को करवाने का जो सिलसिला था वो बादस्तूर जारी रखता था। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, मऊ। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर देखिए खबर बिहार मेरी सहयोगी प्रीति के साथ। नमस्कार।